अब हम जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो एक खबर से ज्यादा एक खुशखबरी है, एक उम्मीद है और कैंसर जैसे भयानक रोग से लड़ने की शक्ति भी। जब भी किसी को कैंसर होता है तो वो ये धारणा बना लेता है कि कैंसर एक असाध्य रोग है जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग कैंसर के चंगुल से निकल भी आते हैं, लेकिन इस रोग को लेकर एक खास तरह की दहशत रहती है। पर अमेरिका में हुए एक दवा के क्लिनिकल ट्रायल से ये बात सामने आई है कि कैंसर को पूरी तरह से दवा के सेवन से ठीक किया जा सकता है। इस दवा का नाम है डोस्टोलिमैब, जिसे कैंसर के इलाज में क्रांति माना जा रहा है। अमेरिका के मैनहट्टन में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान रेक्टल कैंसर के 18 मरीजों को 6 महीने तक ये दवा दी गई। 6 महीने बाद इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। इस बात की पुष्टि के लिए सभी मरीजों की एंडोस्कोपी, MRI और कई जांच करवाई गई, जिसमें रेक्टल कैंसर के 100% ठीक होने की बात सामने आई। इस ट्रायल स्टडी को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित भी किया गया। अगर दवा को मान्यता दी जाती है तो इसकी एक ट्रायल डोज की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए तक है। व्यावहारिक रूप से जब यह दवा बाजार में आएगी तो काफी महंगी होगी, लेकिन आगे इसके ऐसे विकल्प भी सामने आएंगे जिससे इलाज की कीमत कम हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार डोस्टोलिमैब दवा को लैब में बनाए गए अणुओं से तैयार किया गया है। यह दवा शरीर में सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है जो रेक्टल कैंसर को ठीक करती है। दवा के आने के बाद पूरी तरह से कैंसर के उपचार की उम्मीद बढ़ गई है। आमतौर पर कैंसर के इलाज में मरीजों को लंबे और बहुत कष्ट देने वाले इलाज से गुजरना पड़ता है। अभी तक सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के सहित पारंपरिक तौर तरीकों को कैंसर का इलाज माना जाता है, लेकिन इस नई दवा ने कैंसर के रोगियों में स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ा दी है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 40 लाख से ज्यादा कैंसर के रोगी हैं। 2018 से 2020 के दौरान 22,54,000 रोगियों की मौत कैंसर की वजह से हुई। इस आंकड़े के हिसाब से भारत में कैंसर रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। अगर अमेरिका में बनी इस नई दवा की कीमत कुछ कम होती है और इसके सस्ते विकल्प आते हैं तो ये लाखों मरीजों का जीवन बचाने के लिए एक बड़ी पहल होगी।